मध्य प्रदेश में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं घोटालों के बीच। एक और घोटाला भी सामने आया। सूचना के अधिकार के तहत जुटाई जानकारी से पता चला, ग्वालियर जिले में मुरार जनपद की डबका ग्राम पंचायत में कागजों पर ही निर्माण और विकास कार्य हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राम पांडे ने आरटीआई के तहत जुटाई जानकारी के आधार पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। आरटीआई के जरिए जो जानकारी जुटाई गई उसमें ग्राम पंचायत डबका में 11,90,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाया जाना बताया गया है, लेकिन हकीकत में पंचायत में सामुदायिक भवन है ही नहीं। इसी तरह पंचायत में लाखों रुपए पौधरोपण पर खर्च कर दिए, लेकिन पेड़ कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजी सबूतों के साथ फर्जीवाड़े की जानकारी दी। दरअसल ये काम मनरेगा के जरिए किया जाना बताया गया है, लेकिन जॉब कार्ड होल्डर्स के खातों में पैसा ही नहीं पहुंचा है। यही नहीं, राम पांडे को आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली है उसमें भिंड और मुरैना जिले की ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों का जिक्र है। इससे समझा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों में किस तरह ग्रामीण विकास हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे के मुताबिक ये सिर्फ एक ग्राम पंचायत की स्थिति है। अगर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों के कार्यों का लेखा जोखा निकाला जाए तो यह आंकड़ा अरबों रुपए में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। तो तब भी उन्होंने यही कोशिश की कि जानकारी न दी जाए आपके समक्ष उपस्थित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, घोटाले हो, भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, कुपोषण हो, तमाम का कारण है भ्रष्टाचार। जैसा कि आप कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और घोटालों की लाइन लगी हुई है। रविंद्र गुर्जर ऐसे 8-10 लोग उस गांव के थे, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए, तो तब भी उन्होंने यही कोशिश की कि जानकारी न दी जाए, और जब जानकारी मांगी तो कहा कि दी जाएगी। जब 7,500 कॉपी उपलब्ध कराई गई तो उसमें देखा गया कि जो काम थे वो डबका पंचायत के ना होकर ज्यादातर काम